हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे रोमांसवाद यानी स्वच्छंदतावाद के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नवशास्त्रीयतावाद के बाद जो दूसरा एक वाद था, यहाँ पे जो आंदोलन हुआ था, उसका नाम था रोमांसवाद। और यह फ्रांस में पनपा था और इसका समय था 1790 से 1858 ईस्वी। ठीक है, 1858 ईस्वी। और जो रोमांसवाद है वह फ्रेंच शब्द से लिया गया है और इसका अर्थ होता है रोमांसवाद का, रोमा शब्द का कथा, यानी यहाँ पर कथाओं पर आधारित चित्र बने हैं। काल्पनिक कथाएं, पौराणिक कथाएं, परी कथाएं, साहसिक घटनाएं और रियल घटनाओं पर भी आधारित, जैसे सत्य घटना पर आधारित यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं। कुल मिलाकर यथार्थवाद से रिलेटेड है, यथार्थवाद की सहायता से इसे बनाया गया। मतलब यथार्थवाद में क्या था, आगे है इसके बाद यथार्थवाद, उसमें प्रत्यक्ष रूप से दिखता हुआ चीजें बनाई गई और यहाँ पर जो घटना घटित हो चुकी है उसको बनाया गया है। ठीक है, देखिए 18वीं शताब्दी के अंत में यानी 1790 के बाद जो है यहाँ पर फ्रांस की क्रांति हुई थी यहाँ पे। और उस क्रांति में बहुत ज्यादा नरसंहार हुआ था, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा, तो लोग यहाँ पे नरसंहार जो हुआ था उसमें यहाँ पे जो कलाकार थे, जो लोग थे, उनके अंदर बहुत ज्यादा ये सब नरसंहार देखकर इनमें एक आत्मपरकता की भावना जगी थी और निराशावादी प्रवृत्ति उत्पन्न हुई थी और विद्रोह की भावना जगी थी और मुक्ति की लालसा। इस तरीके से जो है सरल शब्दों में कहें तो एक आत्मज्ञान की प्राप्ति इनको हो गई थी। तो सारे बंधनों से मुक्त होकर ये मतलब सारी चीजों को, ये पेंटिंग को उसी रूप से दिखाना चाहते थे। सत्य घटनाओं को लेकर इन्होंने बनाया है। ठीक है, तो जैसे कह सकते हैं कि जैसे कोई भी त्रासदी आती है तो इंसान उसमें बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, उस त्रासदी में फंस कर वो चीजों को सोचता है नए तरीके से, उसके अंदर नए विचार आते हैं। पुरानी चीजें जुड़ी होती हैं लेकिन बहुत चीजें बदल जाती हैं, जैसे ऐसे इस समय हम लोग के साथ हो रहा है, कोरोना है, जब भी ये खत्म होगा इतना कुछ देखने में बहुत सी चीजें हम लोग के अंदर बदल जाएंगी। तो वही इन लोगों के साथ था। यहाँ पे जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसमें जो नरसंहार इन लोगों ने देखा था, उसके बाद इनकी भावनाएं बिल्कुल बदल गई थी। शास्त्रीय नियमों को लेकर चल रहे थे, मतलब नवशास्त्रीयतावाद में, देखिए नवशास्त्रीयतावाद भी एक आंदोलन शुरू हुआ था नवशास्त्रीयतावाद में, लेकिन वहां पे क्या था, उन कलाकारों ने रियल काम किया है लेकिन पुरानी चीजों से जुड़ी हुई थी। पुरानी चीजें मतलब कह सकते हैं जैसे शास्त्रीय नियमों को लेकर ये मतलब काम हो रहा था, पुरानी चीजें में दिख रही थी और एक नाटकीयता दिखती थी नवशास्त्रीयतावाद में। जैसे कि रोम का और यूनानी जो वहां पे मूर्तियां बनी थी उसका प्रभाव पूरा इनमें दिखाई पड़ता था। और यहाँ पर क्या था, स्वच्छंदतावाद में नई चीज, पुरानी चीजों को तो ये लेकर चल रहे थे लेकिन नई चीजों का जो इन्होंने समावेश इसमें किया था उससे जो एक नई कला उत्पन्न हुई थी उसको रोमांसवाद कहा गया है। ठीक है, और यहाँ पर इन लोगों ने जो इसके कलाकार मुख्य हैं, जेरी कार्ट हैं और दिलाकरा हैं, इन लोगों ने जो जेरी कार्ट थे वो रूबेंस की कला से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और जाक दाविद जो इससे पहले का कलाकार है नवशास्त्रीयतावाद में, उसकी कला से भी, रिलीफ पेंटिंग से भी काफी प्रभावित हुए थे। उन सबका समन्वय करके और ब्रिटिश जो दृश्य कला था जो बारोक शैली के पास लगभग है, ब्रिटिश दृश्य कला, तो उसको भी लेकर ये चले थे और अपनी कलाओं में दृश्य चित्रों का भी इन्होंने दिखाया हुआ है। मतलब ये यहाँ पर इनका मानना था प्रकृति की ओर चलो, प्रकृति को नजदीक लाओ और प्रकृति से जुड़ी हुई चीजों को बनाओ। तो यहाँ पर इस कला की दो धाराएं विकसित हुई थी। देखिए पहले तो आप लिख लीजिए रोमांसवाद अर्थ है कथा, ठीक है, फ्रेंच शब्द से लिया गया है। देखिए इसका इस जो जो ये वाद था इसकी दो कलाएं थी, दो कला विकसित हुई थी। पहली प्रकृति आश्रित
दूसरी थी दृश्य आश्रित, दृश्य आश्रित, ठीक है। प्रकृति आश्रित में क्या था, प्रकृति की जो सुंदर चीजें थी वो दिखाते थे, वहां की खूबसूरती को दिखाते थे। इन्होंने जेरी कार्ड ने बहुत सारे लंदन के जो इंग्लैंड के जो गलियों के चित्र हैं वो भी इन्होंने लैंडस्केप में दिखाए हैं अपने। और दृश्य आश्रित था, सत्य घटनाओं पर आधारित चित्र थे और प्रकृति का एक रौद्र रूप था। कोई आपदा आ गई या जो प्रलय हुई या नरसंहार हुआ, इस तरीके का इसमें दृश्य आश्रित में दिखाया जाता, मतलब सत्य घटना पर आधारित था लेकिन जो चीज बीत चुकी है, जैसे इतिहास एक कहानी हो गई है वो चीज, उसको बनाते थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए अब इससे जो एक प्रमुख कलाकार हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। आपको इतना इसमें याद रखना है, इसका टाइमिंग रोमांस आपका 1790 से 1858, ठीक है, 18वीं सती की अंतिम अंतिम सती में ये यहाँ पे एक क्रांति हुई थी, उससे यह प्रभावित होकर यहाँ पर रोमांसवाद का उदय हुआ था, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके जो कलाकार हैं जेरी कार्ट उनके बारे में, ठीक है। देखिए थियोडोर जेरी कार्ट, ठीक है, लिख लीजिएगा थियोडोर जेरी कार्ट। इनका जन्म हुआ था 1791, ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी 1824। इनका लिख लीजिएगा। और ये जो थे ये फ्रेंच स्वच्छतावाद के सबसे सर्वश्रेष्ठ कलाकार थे, अग्रदूत भी कह सकते हैं और इसके प्रणेता भी कहा जा सकता है इनको, ठीक है, थियोडोर जेरी कार्ट को। और देखिए ये जो स्वच्छतावाद है इसका पराकाष्ठा का समय था, मतलब जो सबसे ज्यादा अपने चरम सीमा पर थी, पराकाष्ठा का समय, ठीक है। इसके जो जब ये बहुत ज्यादा अपने सबसे अच्छे रूप में आई थी तो इसका समय है 1830 से 1840, ठीक है, याद रखिएगा। तो अब हम पढ़ते हैं थियोडोर जेरी कार्ट के बारे में। स्वच्छतावाद के अग्रदूत थे, ठीक है, और इनके चित्रों में गतिशीलता और वास्तविकता का समावेश था, मतलब इनके जो चित्र बने थे उनमें गति थी और जो वास्तविक चीजें हैं उनको इन्होंने दिखाया है, नाटकीयता नहीं थी। पुरानी मतलब कहानियों पर आधारित, घटनाओं पर आधारित बनाए, पर नाटकीयता इनके चित्रों में नहीं थी। और इनके इन जो चित्र का जो कंपोजिशन था वो तिरछी रेखाओं से इन्होंने किया था, और जो इन्होंने इसी से ही प्राचीन चित्र संयोजन की जो परंपरा थी उसको इन्होंने समाप्त कर दिया था, ठीक है। और जेरी कार्ट ने एक चित्र बनाया था अश्वारोही का, उस चित्र में इन्होंने एक तेज धूप में दौड़ते हुए चमकती त्वचा वाले एक अश्वारोही को दिखाया था। उस चित्र का नाम था ऑफिसर्स ऑफ द इंपीरियल गार्ड, ठीक है, 1812 में इन्होंने ये चित्र बनाया था। और इसी चित्र में इन्होंने वास्तविकता और गतिशीलता को दिखाया था। इस चित्र को आप देखेंगे, अभी मैं आगे आपको इस चित्र को दिखाऊंगी, ठीक है। तो इन्होंने ये चित्र बनाया था और उसके बाद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये चित्र ये भी, और इन्होंने इसमें जो गतिशीलता और वास्तविकता दिखाई थी इसीलिए ये जाना जाता है। उसके बाद इन्होंने 1819 ईस्वी में तत्कालीन दुर्घटना पर आधारित इन्होंने एक चित्र बनाया था जो सत्य घटना पर आधारित था, और यह जो कृति इन्होंने बनाई थी मेदुसा का बेड़ा, द राफ्ट ऑफ द मेदुसा, ठीक है। तो इस चित्र को जन साधारण जो लोगों के बीच में या बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुई थी क्योंकि सत्य घटना पर आधारित थी, लेकिन अकादमी ने इसका कड़ा विरोध किया था। क्यों विरोध किया था, क्योंकि यह जो सत्य घटना थी इसमें एक लकड़ी से बने हुए गट्ठे जो नाव टाइप से उसके बेड़े को दिखाया गया है, उसमें कुछ जो कुछ यात्री दिखाए गए हैं,
तो वो जो जहाज था उसके डूबने का वो मतलब सही नहीं बना था, उसमें कुछ गड़बड़ी थी इसलिए वह टूट गया, डूब गया और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई उसमें। तो इसका जिम्मेदार वहां जो इसके जहाज के जो उत्तरा मतलब उत्तरदायी जो इसके अधिकारियों को दिया गया, जो जहाज के अधिकारी थे, इस वजह से इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। और इस जो ये घटना थी इसका जो इन्होंने जेरी कार्ट ने प्रत्यक्ष निरीक्षण किया था, ये घटना स्थल पे गए थे, ये घटना घट चुकी थी वहां की, सारी चीजों को इन्होंने ऑब्जर्व किया था। और वहां के जो कुछ लोग बच गए थे उस घटना में, उसके उनसे मिलके इन्होंने उससे पूछताछ की, प्रत्यक्ष निरीक्षण किया और इन्होंने मुर्दा घर में जाकर लाशों का अध्ययन किया और लाशों का रंग कैसा हो जाता है, उनका उनकी खाल कैसी होती है या वो मरने के बाद कैसे दिखते हैं, उस पे वो जाके वहां पे स्केच करी इन्होंने, अध्ययन किया, ठीक है, रिसर्च कह सकते हैं। और पागल खाने जाकर भी इन्होंने अध्ययन किया, चित्र बनाए थे, ठीक है। देखिए एक चीज की इसमें एक चीज याद रखिएगा, जेरी कार्ट एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने लाशों का मतलब रियल लाशों का इन्होंने अध्ययन किया है, ठीक है। मुर्दा घर जाकर लाशों का अध्ययन करते थे, उसकी पूरी एनाटॉमी बनाते थे, फिर इन्होंने ये चीजें जो है इसका स्केच, ये जो चित्र इन्होंने मेडुसा का बेड़ा बनाया है उसका रेखांकन किया है और उसके बाद इन्होंने इस चित्र को पूर्ण किया है। और इस चित्र में इन्होंने जो जो लोग मरे हुए थे उनकी चित्र की दर्द, दयनीय अवस्था और जो मतलब भावनाएं पूरी तरीके से इन्होंने प्रकट, ठीक है, और उनकी भावनाओं के साथ साथ उनके जो उबड़ खाबड़ चित्र थे वो लेटे हैं पेंटिंग में, आप देख सकते हैं उस तरीके से इन्होंने दिखाया है। तो इसको रियल घटना कह सकते हैं, रियल घटना है ही, ठीक है। तो उसके बाद यह जो चित्र था यह नवशास्त्रीयतावाद के चित्रों से अलग था, रोमांसवाद की शुरुआत इन्होंने कर दी, ठीक है, और यह रोमांसवाद का प्रथम चित्र भी माना जाता है, प्रथम चित्र, ठीक है, याद रखिएगा। मेडुसा का बेड़ा जो है रोमांसवाद का प्रथम चित्र 1819 में बना था, द राफ्ट ऑफ द मेडुसा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके पहले कलाकार प्लास्टर की मूर्तियों, जैसे मैंने बताया यूनान की मूर्तियों का, चेहरे की भावनाओं का इसमें नवशास्त्रीयतावाद में इसका प्रभाव दिखता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अंतरात्मा से इसकी जो है एक चित्र बनाया जिसमें रियलिटी दिख रही थी, ठीक है। और इसी पेंटिंग को बनाने के बाद कला जगत में एकदम समझिए खलबली मच गई थी और इनकी बहुत ज्यादा आलोचना हुई थी और उस आलोचना इनको गालियां भी बहुत पड़ी थी और इस आलोचना से ये परेशान होकर निराश होकर ये इंग्लैंड चले गए थे जेरी कार्ट। और इन्होंने 3 साल तक वहां पर रहे थे इंग्लैंड में, और 3 साल के अपने प्रवास के दौरान वहां पर रहने के दौरान इन्होंने घोड़े और बहुत सारे जानवरों के चित्र बनाए थे, स्केच किए थे इन्होंने। और चूंकि जेरी कार्ट को बाल्यावस्था मतलब छोटे पर से ही घोड़े का चित्र बनाना बहुत अच्छा लगता है, घोड़े के बहुत सारे चित्र बनाए हैं, ठीक है, तो पसंद करते थे ये। और घुड़सवारी करते वक्त ही इनकी मृत्यु भी हो गई थी, उसके बाद देखिए ठीक है याद रखिएगा, घुड़सवारी करते वक्त इनकी मृत्यु हुई थी। और 1817 में इन्होंने राइडर लेस रेसेट एट रोम, ठीक है, नामक एक कृति बनाई थी, उसमें इन्होंने बहुत सारे घोड़े बनाए हैं, चित्र में आप देख सकते हैं इन्होंने घोड़े बनाए हैं जो कि वास्तव में हिनहनाते हुए लगते हैं, ठीक है, रियल के लगते हैं। और देखिए बहुत से घोड़े जो है इन्होंने लिथोग्राफ में बनाए हैं, तो इनको लिथोग्राफर भी अगर आपको एग्जाम में आ जाता है तो इन्होंने लिथोग्राफी में भी काम किया है। और इन्होंने लंदन की बहुत सी जो गलियां थी वहां का लैंडस्केप इन्होंने बनाया है, ठीक है, याद रखिएगा जेरी कार्ट के बारे में। अब इनके प्रमुख चित्र के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए जेरी कार्ट के बारे में आपको याद रखना है, इनका जन्म मृत्यु याद रखनी है, बाकी मैंने इनके बारे में आपको बता दिया, ठीक है। और फ्रेंच स्वच्छतावाद के प्रथम कलाकार थे, अग्रदूत थे, ठीक है, और रूबेंस की कला से प्रभावित थे, ये भी याद रखिएगा, रूबेंस की कला से प्रभावित थे, ठीक है। और घर में जो है सॉरी लाशों का अध्ययन करते थे, ये भी याद रखिएगा, लाशों का अध्ययन करते थे, कहाँ
लासों का, देखिए लासों का अध्ययन करते थे, ये ऐसे पहले कलाकार थे, ये भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। लासो का अध्ययन कौन करता था, तो जेरी कार्ट करते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए इनके प्रमुख चित्र हैं मेडुसा का बेड़ा, मेडुसा का बेड़ा, द राफ्ट ऑफ द मेडुसा, ठीक है। 1819 में बना था, प्रथम चित्र है स्वच्छंदतावाद का, लुब्र संग्रहालय पेरिस में रखा है। उसके बाद है ऑफिसर्स, ऑफिसर्स ऑफ द इंपीरियल गार्ड 1812, शाही गार्ड के अधिकारी, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं शाही गार्ड के अधिकारी। देखिए यही जो है इन्होंने पहला, जो मतलब पहला भी कह सकते हैं, पहला बनाया था, लेकिन इतना ज्यादा जो मैंने अभी आपको बताया था गतिशीलता और वास्तविकता दिखाई थी, ठीक है, घोड़े पे सवार जो अधिकारी था, लेकिन जो है इतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ था, और इसीलिए 1819 में जो इन्होंने बनाया था इसे प्रथम चित्र माना गया है, मेडुसा का बेड़ा, ठीक है। उसके बाद है राइडलेस रेसेस एट रोम, ठीक है, 1817 में इन्होंने बनाई थी। उसके बाद है थ्री लवर्स, लवर्स, उसके बाद है हेड ऑफ हॉर्स, हेड ऑफ अ हॉर्स, घोड़े के सिर का चित्रण किया है इन्होंने, ठीक है, 1815 में ये बनी थी, हेड ऑफ, हेड ऑफ हॉर्स, ठीक है। उसके बाद है पागल हत्यारा, पागल हत्यारा, ठीक है। तो कुछ ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, याद रखिएगा, और लासों का अध्ययन करते थे ये याद रखिएगा, ठीक है। रूबेंस की कला से प्रभावित थे, मेडुसा का बेड़ा, ऑफिसर्स ऑफ द इंपीरियल गार्ड, राइडलेस रेसेस एट रोम 1817 में बनी है, थ्री लवर्स, हेड ऑफ हॉर्स, पागल हत्यारा 1815 में ये बनी है, हेड ऑफ हॉर्स। बहुत से इन्होंने रेखांकन किए हैं, मैं आप देख सकते हैं चित्र में, और उसके बाद ये पेंटिंग भी इन्होंने बनाई है, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही, बाकी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप उसमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। इसके जो दूसरे कलाकार हैं दिलाकरा, उनके बारे में पढ़ें।